आज हम लोग एक सच्ची हॉरर स्टोरी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है खौफ। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मृदुला और मिस्टीरियस हब में आपका स्वागत है। ये कहानी मुकेश के साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है, क्योंकि इस घटना के बाद मुकेश की पूरी जिंदगी बदल गई। इस घटना का असर मुकेश पर इतना पड़ा कि अगर वो इसे याद भी कर लेते हैं तो गहरे सदमे में खो जाते हैं। शायद मुकेश पूरी जिंदगी में उस रात को ना भूल पाए। और अब आगे की कहानी हम मुकेश जी के ही शब्दों में जारी रखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश पांडे है और मैं यूपी के सुल्तानपुर जिले के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। गांव में तो खैर हमारे परिवार के दादा दादी, चाचा चाची लोग ही रहते हैं। मैं, मेरे माता पिता, भाई, हम सब दिल्ली में ही रहते हैं। साल में एक या दो बार हम पूरे परिवार के साथ गांव जरूर आते हैं। वैसे मैं आपको ये घटना बताने जा रहा हूँ, यह मेरे साथ तब घटी थी 2016 में 8 मार्च, जब हम गांव से वापस अपने घर दिल्ली जा रहे थे। हमें दिल्ली के लिए ट्रेन लखनऊ स्टेशन से ही पकड़नी थी और शाम को लगभग 7 बजे ही स्टेशन पर पहुँच गए। हमारी ट्रेन रात 10 बजे की थी। मैं और मेरे पिताजी, माताजी और मेरे बहन भाई, हम सब स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही बैठे हुए थे। हम लोगों ने वहीं पर खाना वगैरह खाया और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूम रहा था, तभी मैंने देखा एक लड़की प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर अकेली ही बैठी हुई थी और वो मुझे ही देख रही थी। उसको देखकर मुझे बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, पर मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जहाँ मेरे घर के सभी लोग बैठे थे उसी तरह जाने लगा। प्लेटफॉर्म पर भीड़ बहुत थी और मुझे भीड़ में थोड़ी बहुत बेचैनी भी महसूस होती है, इसलिए मैं फ़ोन पर किसी से बातें करता हुआ चल रहा था कि तभी मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं रुक कर तुरंत पीछे पलटा, पर अब मेरे पीछे कोई नहीं था। मैंने सोचा इतनी भीड़ है और इसी भीड़ में से ही किसी का हाथ मेरे कंधों पर पड़ गया होगा, इसलिए मैं जाकर वहीं बैठ गया जहां मेरे परिवार के सब लोग बैठे थे। और थोड़ी देर में हमारी ट्रेन भी आ गई जिसमें हमें बैठकर दिल्ली जाना था। और ट्रेन आते ही पूरे स्टेशन पर भागा दौड़ी मच गई। ट्रेन में बैठने के लिए और ट्रेन से भी भारी संख्या में लोग नीचे उतर रहे थे। हम भी भागकर जनरल डब्बा ही ढूंढ रहे थे और जैसे तैसे मैं और मेरे परिवार के लोग उसमें घुस तो गए, पर हमने अंदर देखा और अंदर बैठने तो क्या, कहीं पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। इतनी बुरी हालत थी उस जनरल बोगी में और मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था भीड़ की वजह से। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा जब ट्रेन चलेगी तो रास्ते में थोड़ी दूर जाते ही सीट मिल जाएगी बैठने के लिए। और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर में दो स्टेशन के बाद हम सभी सीट पर बैठ गए थे और लगभग 12 या 12:30 बजे करीबन ट्रेन में अच्छी शांति भी हो गई थी और मैं भी कोच में जाकर ऊपर की सीट पर सो गया। लेकिन मेरी आंख 2 या 2:30 बजे खुली तो मैंने देखा कोच में लगभग सभी लोग सो रहे थे। मैं ऊपर वाली सीट से नीचे उतर गया और मैंने देखा मेरे माता पिता और भाई बहन लोग भी सभी सो रहे थे। मैं वॉशरूम की तरफ गया, तभी मैंने बाहर की ओर देखा तो ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी और स्टेशन पर काफ़ी चहल पहल थी। लोग इधर उधर चल रहे थे और बाहर हवा भी बड़ी अच्छी चल रही थी, इसलिए मैंने सोचा जब तक ट्रेन रुकी हुई है थोड़ी देर बाहर घूम लेता हूँ। मेरी नज़र अचानक एक लड़की पर पड़ी जो दरवाजे पर ही खड़ी थी और वह लड़की वही लड़की थी जिसे मैंने लखनऊ स्टेशन पर देखा था। लेकिन मैं उसे इग्नोर करते हुए नीचे उतर गया। स्टेशन पर थोड़ा आगे ही गया था तभी मैंने देखा वो लड़की मेरे पीछे पीछे ही चल रही थी। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं उसे टोकूं। लेकिन थोड़ी देर में वही मुझे आवाज़ देती हुई बोली, सुनो जरा रुको तो। मैं पीछे पलटते हुए बोला, जी। उस लड़की ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आप भी इसी ट्रेन से जा रहे हैं क्या? वो मुझे ना इसी स्टेशन पर उतरना था और मुझे स्टेशन के बाहर अकेले जाने में डर सा लग रहा है।
तो क्या आप मुझे बाहर तक छोड़ दोगे? उसकी बात सुनकर मैंने कहा, मुझे तो इसी ट्रेन में जाना है, पर मैंने देखा था ट्रेन से बहुत सारे लोग नीचे उतरकर स्टेशन पर घूम रहे थे, तो मैंने सोचा ट्रेन यहाँ थोड़ी देर तक रुकेगी, इसलिए मैंने फिर कहा, हाँ चलो छोड़ दूंगा। इतना बोलकर हम स्टेशन से बाहर की ओर जाने लगे, लेकिन सच बताऊँ तो मुझे भी उस स्टेशन पर डर लग रहा था। फिर भी मैंने उस लड़की को बाहर तक छोड़ने चला गया। मैं यह भी सोच रहा था, चलो इसी बहाने इससे दोस्ती भी हो जाएगी, क्योंकि उसको मैंने लखनऊ स्टेशन पर जब देखा था तभी से यह मुझे बहुत अच्छी भी लग रही थी। मैं आगे आगे चल रहा था और वो भी पीछे थी। हम थोड़ा सा ही आगे गए होंगे तभी उस लड़की ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया, पर मुझे उस समय समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूं। लेकिन जैसे मैंने पीछे मुड़कर उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे हाथ पैर कपकपाने लगे, मेरी रगों में चलता खून मानो जम सा गया हो, और फिर एकदम से मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मैंने देखा उस लड़की का चेहरा बिल्कुल खून से लाल था, आंखें दोनों बाहर लटकी हुई थी और एक हाथ आधा कटा हुआ था, उसके पूरे शरीर से भी खून ही खून बह रहा था। लेकिन उसको देखने के बाद मेरी बस एक ही चीख निकली थी और उसके बाद मेरा गला तुरंत ही बैठ गया, क्योंकि उस लड़की ने मेरे गले पर अपने नोकले से नाखून घुसा दिए थे, और मैंने देखा वो स्टेशन जहाँ अभी इतनी चहल पहल थी और लोग इधर उधर चल रहे थे, अब वो सब जैसे गायब से हो गए थे। अब स्टेशन बिल्कुल सुनसान हो गया था, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गया और वो लड़की धीरे धीरे मेरा गला दबाने लगी थी और मेरी सांसें अब उखड़ने लगी थी। मेरा चेहरा भी पसीने से तरबतर हो गया था। मुझे लग रहा था अब इसी पल मेरी जान निकल जाएगी। मैं बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था और तड़पते हुए मेरी एक चीख और निकली। तभी मेरे पापा ने मुझे तुरंत पकड़ लिया और मुझको जगाया, तो मैंने देखा अभी तो मैं उसी ट्रेन में ही था और ऊपर की सीट पर सोते हुए एक खतरनाक भयानक सपना देख रहा था। मेरे पापा ने रुमाल से मेरा चेहरा साफ किया जो पसीने से भींग रखा था। उस हल्की हल्की ठंड में भी मुझे पसीना आ रहा था, मेरी धड़कनें अभी भी दुगनी रफ्तार से धड़क रही थी। उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे अपने पास ही नीचे सीट पर बिठा लिया। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के अभी 2 ही बजे रहे थे। अब मैं उठकर कोच के वॉशरूम में गया और मैंने आंखों पर पानी से छींटे मारे और मुंह धोकर फिर से सीट पर बैठ गया। मैंने सोचा अब जितना भी सफ़र बचा है सीट पर बैठकर ही पूरा करूंगा। अब मैंने सोच लिया था सोना तो नहीं है। जब नई दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो हम सभी सामान उठाकर ट्रेन से नीचे उतर रहे थे। तब मेरी नज़र सामने वाली सीट पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो लड़की भी उतर रही थी अपना सामान लेकर, जिसको मैंने लखनऊ स्टेशन पर देखा था और रात में सपने में भी देखा था। उसको देखते ही मानो मेरा दिल फिर जोर जोर से धड़कने लगा और मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था। मैं भी अपने घर वालों के साथ चिपक कर चल रहा था। उसके बाद हम नई दिल्ली स्टेशन से बाहर पैदल ही चल रहे थे किसी ऑटो को देखने के लिए। तभी मेरे होश फिर उड़ गए क्योंकि मैंने देखा अभी भी वो लड़की हमारे आगे आगे ही चल रही थी। इस बार मैंने अपने भाई से कहा, दिनेश इसे देख, ये लड़की लखनऊ स्टेशन पर भी बैठी हुई थी और जिस ट्रेन से हम आए उसमें ही थी, शायद उसी बोगी में ही थी जिसमें हम थे। मेरी बात सुनकर मेरे भाई ने पहले तो मुझे अपनी अजीब सी निगाहों से देखा, फिर कहा, कहाँ, कौन, किसकी बात कर रहे हो? मैंने फिर अपने भाई से कहा, अरे जो सामने जा रही है। लेकिन दिनेश ने कहा, भैया क्या हो गया है आपको, सामने तो कोई नहीं जा रहा। उसके इतना कहते ही अब मानो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वो लड़की तो मुझे भी अभी भी दिख रही थी और आश्चर्य की बात तो यह है कि किसी और को नहीं दिख रही थी। लेकिन थोड़ी देर में ही पापा ने ऑटो कर लिया और हम ऑटो में बैठकर अपने दिल्ली वाले घर पहुंच गए। घर पहुंचकर हमने थोड़ी साफ सफाई की क्योंकि घर लगभग 2 महीने से बंद पड़ा था। साफ सफाई के बाद खाना वाना खाकर हम सब आराम करने लगे।
और मैं भी अपने कमरे में जाकर लेट गया और थोड़ी देर में मेरी आंख भी लग गई। और तभी मुझे नींद में ही ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे बेड पर कोई और भी है, लेटा हुआ है और वो बहुत जोर जोर से सांसें ले रहा है और उसने एक हाथ मेरे ऊपर भी रखा हुआ है। मैंने तुरंत आंखें खोली तो मानो मेरे होश उड़ गए और उसके साथ ही मेरे मुंह से बहुत जोर से चीखने की आवाज़ निकली और मैं बेड से कूदकर तुरंत बाहर की तरफ भागने लगा। मैं रोता चीखता चिल्लाता हुआ बाहर भाग रहा था। बाहर मेरे पापा क्यारी में साफ सफाई कर रहे थे। उन्होंने मुझे इस हालत में देखा तो तुरंत आकर पकड़ लिया। पापा मुझसे पूछ रहे थे, क्या हुआ मुकेश बेटा, क्या हुआ? लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं बहुत डरा घबराया हुआ था। थोड़ी देर में ही हमारे घर के सभी लोग वहाँ आ गए। सब मेरे से बार बार पूछ रहे थे, क्या हुआ क्या हुआ, पर मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, वो लड़की अंदर है और वो मेरे कमरे में है, मेरे बिस्तर पर लेटी है, वो वही लड़की है, वो। मैं साफ साफ नहीं बोल पा रहा था, हकलाते हुए मेरे मुंह से शब्द निकल रहे थे। मेरे पापा और भाई बहन सभी लोग तुरंत कमरे के अंदर भाग कर गए, लेकिन उन्होंने देखा कमरे में तो कोई भी नहीं था, कमरा तो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। सबने इधर उधर भी देखा लेकिन कोई नहीं था और ना ही कोई बाहर भी जा सकता था क्योंकि घर के चारों तरफ बाउंड्री लगी थी और गेट बंद था। मेरे पापा ने फिर मेरे से कहा, बेटा कोई भी तो नहीं है, कहीं तुमने शायद कोई सपना देखा होगा, रात में भी डर गए थे, इतना लंबा सफ़र कर आए हैं, हम लोग सब थक गए हैं इसलिए तुम्हें कोई वहम हुआ है, नींद में तुमने सपना देखा होगा कोई। मम्मी पापा भाई बहन सब यही कह रहे थे कि मुकेश तुमने कोई सपना ही देखा होगा। सब लोग थोड़ी देर में इधर उधर तो चले गए लेकिन मैं अभी भी बहुत दहशत में था क्योंकि मुझे पता था मैंने अभी कोई सपना नहीं देखा है क्योंकि यह सपना तो नहीं हो सकता। जब मैं बेड से नीचे कूदा तभी भी मैंने देखा वो लड़की बेड पर लेटी हुई थी जो पहले लखनऊ स्टेशन में मिली थी, फिर ट्रेन में मैंने सपना देखा था और जब हम दिल्ली स्टेशन पर उतरे तब भी वो लड़की उसी ट्रेन से नीचे उतरी थी। आश्चर्य की बात तो यह थी कि वो लड़की मेरे सिवा किसी को भी नहीं दिख रही थी। यही सब सोचते सोचते दहशत के साए में पूरा दिन तो खत्म हो गया और रात को जब सब लोगों ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए और मैं भी अपने कमरे में चला गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बेड पर लेटा ही हुआ था। कमरे में लाइट भी जल रही थी। मैं अपने फ़ोन में कुछ काम कर रहा था। लगभग एक घंटे बाद यानी समय 11 या 11:30 हो रहा होगा, तब मैंने सोचा अब लाइट बंद करके सो जाता हूँ। मैं बेड से उठा और लाइट बंद करने के लिए गया तभी मैंने सुना कोई मेरे कमरे की खिड़की बजा रहा है। खिड़की बजाने की आवाज़ बड़ी जोर जोर से आ रही थी। मैंने तुरंत खिड़की की तरफ देखा तो फिर से मेरे होश उड़ गए, मेरे रगों में चलता खून जम सा गया। तभी मेरी एक चीख निकली क्योंकि मैंने देखा बाहर वही लड़की खिड़की बजा रही थी, वो भी अपने एक हाथ से और उसका एक हाथ कटा हुआ था, चेहरा बिल्कुल कट रखा था और खून खून था पूरे चेहरे पर और बाल आगे को बिखरे हुए थे। मेरी नज़र उस पर ही थी और मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन भी था। मैंने तुरंत अपने पापा को फ़ोन किया और कहा, पापा मुझे डर लग रहा है, वो बाहर आ गई है, अब वो मेरे कमरे के बाहर खड़ी है। मैंने इतना ही बोला था और मेरे पापा ने भी देरी नहीं लगाई और तुरंत मेरे कमरे पर आकर बोली, खोलो दरवाज़ा मुकेश। मैंने भी तुरंत दरवाज़ा खोला और डरा सहमा हुआ सा पापा से लिपट कर रोने लगा। मेरे पापा ने कहा, वहाँ कोई तो नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। मैंने फिर कहा पापा से, बाहर है देखो खिड़की के पास। पापा ने बाहर देखा खिड़की की तरफ, लेकिन मेरे पापा ने जैसे ही खिड़की के बाहर की तरफ देखा तो उन्हें वो नज़र नहीं आ रही थी और मैं भी उस समय पापा के साथ ही खड़ा था और वो मुझे अभी भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है, जब मैं कमरे के अंदर था तब मुझे वो बड़ी विचित्र हालत में दिख रही थी, उसका हाथ कटा था, खून से तरबतर थी, लेकिन बाहर बिल्कुल सही और बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी हुई अपनी डरावनी मुस्कान लिए मुझे देख रही थी। तभी मैंने अपने पापा से कहा,
पापा ये मार देगी मुझे, ये नहीं छोड़ेगी मुझे अब। पर मेरे पापा ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा कोई नहीं है, बाहर कुछ भी तो नहीं है। पापा लाइट जलाकर देख रहे थे, लेकिन पापा को आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद पापा मुझे अपने साथ नीचे बरामदे में ले गए। अब घर के सभी लोग भी जाग चुके थे, मम्मी पापा भाई बहन सब लोग थे मेरे साथ बरामदे में। लेकिन मैं जोर जोर से रो रहा था, बस एक ही बात कह रहा था, वो मुझे मार देगी, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। घर के सब लोग मेरे पास ही बैठे हुए थे और सब मुझे समझाते हुए कह रहे थे, कोई नहीं है यहाँ, कौन तुम्हें मारेगा मुकेश, हम हैं यहाँ, कोई नहीं मार सकता तुम्हें, और कुछ भी नहीं है, ऐसा क्या हो गया मुकेश तुम्हें। उसके बाद सब ने बरामदे में एक चारपाई रखी हुई थी, सब ने मुझे उसी पर लेटा दिया। मुझे मेरे सिरहाने के सामने खड़ी फिर से दिख रही थी और मुझे वो डरावनी मुस्कान लिए घूर रही थी। और मैं अपनी मम्मी पापा सबको कह रहा था, यह देखो यही खड़ी है। लेकिन किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो किसी और को भी नहीं दिख रही थी और सब यही कह रहे थे, किसी चीज़ से डरा होगा मुकेश, इसलिए मुकेश को ऐसा वहम हो रहा है। पर अभी तक जो वो लड़की मेरे सिरहाने के पास खड़ी थी, अब वो मेरे सीने पर आकर बैठ गई और अपने लंबे लंबे नाखून मेरे गले में घुसाने लगी। अब मेरी चीखने चिल्लाने की आवाज़ बहुत तेज हो चुकी थी। मेरे गले से बहता खून देखकर घर वाले बहुत डर गए थे और मेरी मम्मी भी रोने लगी थी और पूरे घर में दहशत का माहौल हो गया। लेकिन मेरे पापा ने शायद किसी को भेज दिया था। घर से थोड़ा दूर एक तांत्रिक बाबा रहते थे जो भूत प्रेत में थोड़ा रुचि रखते थे और ऐसी चीज़ों को मानते भी थे। हमारे पड़ोस के एक भैया बाबा को लेकर घर उसी समय पहुंच गए थे। बाबा ने बरामदे में कदम रखते ही घर के सब लोगों को कहा, सब दूर हट जाओ, इस लड़के के पास अभी कोई मत खड़े रहना, सब दूर हो जाओ। बाबा ने मेरे ऊपर गंगाजल छिड़का या कुछ और यह तो पता नहीं, और उसके बाद बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। बाबा मंत्र तो पढ़ रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मैं अब अपने बस में नहीं था और मेरे मुंह से अपने आप आवाज़ निकल रही थी। यह मुझे पसंद आ गया है और मैं भी इसे पसंद हूँ, इसलिए मैं इसको लेकर जाऊँगी। बाबा ने मंत्र पढ़ते पढ़ते जोर से कहा, कौन है तू, बोल कौन है तू, कहाँ से आई है। शायद वो मेरे अंदर प्रवेश कर चुकी थी, इसलिए मेरे मुंह से अपने आप आवाज़ निकल रही थी और जो मैं नहीं भी बोलना चाहता था वो वही कह रही थी। उसको मैंने देखा और यह मुझे पसंद आ गया और मैं भी इसको पसंद हूँ, इसलिए अब यह सिर्फ मेरा है और मैं इसको लेकर जाऊँगी। बाबा समझ चुके थे कि यह क्या है और कौन है, इसलिए बाबा ने कहा, अच्छा डायन है तू, अभी बताते हैं रुक। फिर बाबा ने मेरे पापा को कहा, यहाँ आग जलाने की व्यवस्था करो तुरंत अभी। पापा ने लकड़ियाँ वगैरह लाकर तुरंत वहाँ आग जलाई बरामदे में। बाबा ने एक लोहे की सरिया को जलाकर बिल्कुल लाल कर दिया और कहा, तू अभी प्यार से छोड़कर चली जा वरना तुझे इसी अग्नि में भस्म कर देंगे हम। लेकिन मेरे मुंह से बड़ी भयानक आवाज़ निकल रही थी, वो कह रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको लिए बिना नहीं जाऊंगी यहाँ से, क्योंकि यह मुझे पसंद आ गया है और मैं भी इसको पसंद हूँ। उसकी बात सुनकर बाबा ने कहा, चल ठीक है। उसके बाद बाबा ने वो गर्म सरिया लाकर मेरे पैर के तलवे पर लगा दी। मुझे उस गर्म सरिया का असर कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी मैंने देखा और उस समय सब लोगों ने देखा कि वो डायन वहीं पर सबके सामने आ गई और उसने गुस्से में कहा, ए तांत्रिक छोड़ दे मुझे वरना सबसे पहले तुझे ही मारूंगी, फिर इन सबको, वरना हट जा मेरे रास्ते से, मुझे तुम सबसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस यह लड़का चाहिए। फिर बाबा ने कहा, अभी मैं तुझे इसी से भस्म कर दूंगा, नहीं तो अभी भाग जा यहाँ से और कभी लौट कर मत आना। बाबा ने इतना कहा और मंत्र पढ़े और अग्नि में कुछ डालने लगे। तभी उसके रोने चीखने की आवाज़ बढ़ गई और उसको भागते हुए सब लोग देख रहे थे। उसके बाद बाबा ने बताया कि वो एक डायन है मीरा नाम की। बाबा ने फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पहले वो रेलवे स्टेशन पर चाय समोसे बेचा करती थी, पर एक दिन वो लड़का जिसको वो बहुत पसंद करती थी उस लड़के ने मीरा को मार दिया
उसने उसके चेहरे को ब्लेड से पूरी तरह से काट दिया और उसका एक हाथ काट कर उसके पूरे शरीर में चाकू से जख्म कर दिए और मार दिया। और तड़पते हुए मीरा ने अपनी जान दे दी थी। बाबा उसे देखते ही उसकी सारी कहानी समझ गए थे, बस उसके मुंह से ही सुनना चाह रहे थे। बाबा ने फिर कहा, मुकेश ने इसको देखा होगा और इसे वो अच्छी लगी होगी और उसे भी मुकेश पसंद आ गया होगा। अगर तुम लोग थोड़ा और देर कर देते मुझे बुलाने में तो शायद आज यह मुकेश की जान ले लेती और यह उसे अपने साथ ले जाती। उसके बाद बाबा ने मंत्र पढ़कर ताबीज बनाई और मेरे गले में डाल दी और एक धागा हाथ में भी बांध दिया। फिर कहा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना कहकर बाबा तो चले गए, पर मैं उसी दहशत में उस रात तो क्या कई रातों तक नहीं सो पाया और मैंने उसके बाद भी कभी भी ट्रेन से सफ़र नहीं किया। इस कहानी को आज मैंने आपके सामने बता तो दी, लेकिन सच मानो ये कहानी बताते समय आज मेरी रूह फिर से कांप रही है। आज भी मैं उस दहशत में हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।